हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमेट के से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट फेब से कॉमेट के का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और उसका पूरे एग्जाम का जो भी अपडेट है वो सारा एक कैलेंडर के थ्रू अपडेट हो चुका है। तो हम सारे कैलेंडर के बारे में बात करेंगे कि किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है और किस डेट को आपका आंसर की और स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेब को आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है कॉमेट के का, ठीक है। फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो गया आपका फॉर्म फिलिंग, ठीक है। 15 फेब को आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पे अवेलेबल होगा? आपका कॉमेट के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 5 अप्रैल को आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। 5 अप्रैल को आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का और 12 अप्रैल को आपका करेक्शन डेट स्टार्ट होने वाला है। करेक्शन डेट मीन्स कि आपने कोई भी मिस्टेक किया है फॉर्म फिलिंग में तो आप ठीक कर सकते हैं। और 16 अप्रैल को जो है वो लास्ट डेट है किसका? करेक्शन डेट, यानी करेक्शन करने का जो डेट है वो 16 अप्रैल को एंड हो जाएगा। उसके बाद आपके फॉर्म फिलिंग में जो भी मिस्टेक है उसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको जो भी ठीक करना होगा वो आप 16 अप्रैल तक ही कर सकते हैं। 6 मई को आपका अवेलेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। 6 मई में आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा और 12 मई में आपका फाइनल एग्जाम है। ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है। फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट शिफ्ट जो है वो 9 to 12 होगा और सेकेंड शिफ्ट जो है वो 2 PM to 5 PM होगा, ठीक है। 14 मई में आपका आंसर की अवेलेबल हो जाएगा, यानी प्रोविजनल आंसर की। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी चैलेंज करना है तो वो आप 16 मई को कर सकते हैं, ठीक है। 21 मई में आपका आंसर की अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पे अवेलेबल होगा? कॉमेट के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और आपका 24 मई में फाइनल आंसर की के साथ स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। आप अपना स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमेट के वेबसाइट पे जाके। अगर आप अपना कॉमेट के का फॉर्म फील करवाना चाहते हैं और उसके साथ साथ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका हेल्प करेंगे और हम आपको फी भी बता देंगे कि कितना है। अभी इस वीडियो में हमने एग्जाम से रिलेटेड बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कॉमेंट के का, तो हमें हमसे फॉर्म फिलिंग करवा के आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।